कपड़े तो इतने ज़्यादा होते हैं ना, एक रस्से से काम नहीं करा, दो रस्सियाँ लगा दी आज हमने नीचे। अब जो बाकी बेड शीट वगैरह उन्हें छत में डाल के आती। आजा ब्रूनो, ओ ब्रूनो आजा छत में जाएंगे, आजा ले जल्दी जल्दी। सभी दोस्तों को शीला बन का प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो गए जुट गए, उठ के सारा काम हम भी हो चुका है और रूम भी थोड़ी साफ हो गया। आज इस वो कमरे वाला एसी चला रखा है क्योंकि उस कमरे में तो इतनी गर्मी हो गई, इतनी गर्मी हो रही है, मैं क्या ही बताऊँ। कपड़े अपने सारे धुल गए तो बालकनी की साइड जाते हैं अभी। पहले मैं किचन में जा रही हूँ, किचन में देखिए यहाँ पर राजमा उबाल दिए, यहाँ पर हो रहा है दूध बॉइल। पार्थी की फरमाइश में आज बनेगा राजमा। ये हस्बैंड के लिए मंगाई है लस्सी और ब्रूनों के लिए मंगाया है दही। तो गाइस खाना वगैरह यहाँ पर बन रहा है और चिमनी भी साफ़ हो गई है ना। तो गाइस नहा धो तो लिया, हमारे किचन में जो चिमनी है ना बहुत टाइम से हमने साफ़ नहीं करवाई थी, तो आज हमने ऑनलाइन भैया को बुलवाया और फिर उसके बाद हमने इसमें चिमनी अपनी साफ़ करने को इनको बोला, तो इन्होंने करी और इतनी गंदी हो रही थी, इतनी गंदी हो रही थी क्या ही बताऊँ। तो इसमें सुना तो अब तो हमारे इन्होंने देखो भैया ने सारी क्लीन कर दी, साफ़ हो गया, पूरा ही ठीक हो गया और काफ़ी अच्छे से अब तेज चलने लग गई है, क्योंकि हमने साफ़ नहीं करवाई थी, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, किसी न किसी कारण से कुछ ना कुछ हो जा रहा था। तो आज फिर मेरे हस्बैंड ने बुला के इसको अच्छे से साफ़ करवा दी, तो चिमनी भी साफ़ हो गई है। तो गाइस कपड़े वगैरह भी सारे धुल गए, धुलने के बाद हमने उनको यहाँ पर सुखा रखा है। आजकल मैं नीचे बालकनी में सुखा देती हूँ और जो पाइप है ना यहाँ इसका पानी गिर रहा है, एसी का पानी, जो पानी इसमें से ऐसे टपकता है ना उसको हम सारे पौधे में डाल देते हैं, उससे पौधे बड़े ही अच्छे हो जाते हैं। तो गाइस इस डोर को तोड़ कर देते हैं, दरवाजे को बंद क्योंकि अंदर एसी जगह है, इसको भी हम यहाँ से बंद कर देते हैं और इसको लगा देते हैं। आप चलते हैं अंदर साइड को। घर में तो मुझे भी लगे दोनों घूम के आ गए, आ गया घूम के, दोनों घूम के आ चुके हैं। राजमा तो गाइज मैंने रात को ही भिगा दिए थे और सुबह फिर मैंने भिगा के ना उनको अच्छे से धो के भिगाए, फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था क्योंकि सुबह सुबह बनाने थे मुझे राजमा। तो यहाँ पर देखिए हमारा तेल गरम हो गया, तेल गरम होने के बाद उसमें मैंने खड़ा मसाला डाल दिया, जीरा और इलायची और हींग हम थोड़ी ज़्यादा डालते हैं। तो गाइज खड़ा मसाला डालने के बाद फिर इसमें मैंने लाल मिर्च भी डाल दी क्योंकि ये हस्बैंड नहीं खाएंगे, सिर्फ बच्चे और मैं खाऊंगी, तो फिर मैंने इसको लाल मिर्च इसलिए डाल दी क्योंकि हस्बैंड के लिए दूसरा खाना बनेगा। तो फिर मैंने इस टमाटर को भी इसी में जो राजमा थे ना उसमें बॉईल कर दिया था, दो तीन टमाटर डाले थे वही उसमें बॉईल कर दिए थे क्योंकि प्याज लहसुन तो हमें खाना नहीं है। तो मैंने अदरक और टमाटर राजमा में ही अच्छे से सीट लगाते समय उसको भी उसमें डाल दिया था, वो भी अच्छे से बॉईल हो गए। तो गाइस देखिए हमारा मसाला जो है रेडी हो गया, अब इसमें थोड़ी सी मैं डाल देती हूँ हल्दी और थोड़ी सी नमक और मसाला। जो मसाले हम ज़्यादा खाते नहीं, बहुत कम खाते हैं, बस खाली धनिया पाउडर ही खाते हैं और राजमा मसाला भी था नहीं तो इसलिए मैंने वो भी इसमें डाला नहीं। तो गाइस हमारे यहाँ पर थोड़ी सी पेस्ट अब रेडी हो रहा है, रेडी बस होने वाला है क्योंकि मुझे भी ना ऑफिस के लिए निकलना है, इसलिए मैं थोड़ी जल्दी उठ के ये सारा काम हम कर रही हूँ। तो राजमा देखिए इसको मसाला बनने में तो थोड़ी टाइम लग रहा है, लग के रहा है, थोड़ी गैस जल्दी से फुल कर देती हूँ ताकि जल्दी जल्दी ये वाला खाना बने तो हस्बैंड के लिए बनाती हूँ। तो गाइस हमारा मसाला तो बिल्कुल हो चुका है रेडी, तेल छोड़ दिया मतलब मसाला हमारा रेडी हो चुका है। तो अब मैं क्या करती हूँ इसमें गर्मा गर्म राजमा में डाल देती हूँ। राजमा जो रेडी रेड वाले होते हैं ना वो वाले हैं, तो मैंने इसमें जो राजमा है डाल दिए। मोबाइल में तो इतना अच्छे नहीं आ रहे पर राजमा ना बहुत अच्छे बने हुए हैं और खुशबू तो बड़ी ही अच्छी आ रही है। तो गाइस राजमा तो देखिए हमारे ऑलमोस्ट बनने ही वाले हैं, बनने में बस थोड़ी सी टाइम लगेगा, इसको एक दो बारी उबालना पड़ेगा। तो ये हमारे राजमा, इसको हम थोड़ी देर के लिए। तो गाइस आज खाने में बना रही हूँ मैं, ये है भात और ये है राजमा। बेटे ने बोला कि आज राजमा और चावल बनाओ बड़े बेटे ने, तो गाइस फटाफट से खाना बना लेती हूँ। तो गाइस चावल में सीटी आने में तो टाइम है पर राजमा भद-भद पक रहा है, देखते हैं कैसा बनाऊंगा। राजमा तो हमारा तैयार होने वाला है, इसको थोड़ी सी आंच में रख लेते हैं। तो
गाइस आज अगेन फिर से बन रही है चटनी। चटनी बनाने के लिए ये है कच्चा आम, हरी मिर्च, गुड़ गुड़ ये चूरा चूरा हो जाता है वो है, और ये है धनिया, और ये है पुदीना, और ये जो मसाला है। मैं चटनी जब भी बनाती हूँ जीरा जरूर डालती हूँ। तो गाइस चटनी के लिए हमारी सारी सामग्री है जो रेडी हो चुकी है। मिर्च मैं थोड़ी ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि हस्बैंड को चटनी तो खानी नहीं है, तो हम ही लोग खाएंगे। तो गाइस फटाफट से चटनी पीस लेती हूँ मैं। खाना तो रेडी हो गया, पहले दे देती हूँ मैं पार्थ को। पार्थ गर्भित खाना खा ले, उठ। मैं भी खा लेती हूँ खाना। वैसे तो मैं कढ़ाई में खाती हूँ पर राजमा चावल तो थाली में ही खाऊंगी फटाफट से। तो यहाँ पर आराम से बैठ के ये क्या बना है तुम? आजा खाना खाएगा जल्दी। मस्त खाना वगैरह भी खा लिया, और हमारे जो कपड़े थे ना सूख चुके हैं, सूख के एक बारी के मैंने उठा के रख दिए, दोबारा के भी सारे कपड़े सूख गए हैं। शाम का समय है और मौसम थोड़ी थोड़ी ठीक हो रहा है, अभी गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, उमस बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो गाइस फटाफट से ये कपड़े भी उठा लेती हूँ उससे पहले कि यहाँ पर एसी का पानी चलता है ना, तो फिर ब्रोनो यहाँ घूमता है तो कपड़े नीचे गिर जाएंगे तो सारे ख़राब हो जाएंगे। तो गाइस फटाफट से मैं भी कपड़े उठा लेती हूँ, फिर उसके बाद ब्रोनो को घुमाने के लिए जाना है मुझे नीचे, ब्रोनो को घुमा के लाती हूँ।